भाई अब तुमने रोहमिया को नाश्ते के लिए बुला ही लिया है तो नाश्ता भी दो। डैडी सच सच बता दूं? तो क्या अब तक झूठ बोला जा रहा? जी हाँ डैडी, नाश्ते का तो बहाना ही था, ये आपसे एक और बात करने आए। हाँ भैये और क्या बात? सर वो आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है, कुछ दोस्तों को भी बुलाया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं नाजो को भी ले जाऊँ। तो गोया आप नाजो को भी अपने दोस्तों में शामिल करते हैं? जी हाँ जी, नहीं मेरा मतलब है अटक गए। बेगम एक मर्तबा मैं भी तुम्हारे बाप के सामने जी हाँ जी नहीं मतलब है इस पर अटक गया। डैडी पार्टी में बहुत अच्छे गाने वाले भी आ रहे, उस दिन आप रऊफ के घर उनसे मिले भी तो थे, याद है ना वो सुहेल साहब रऊफ के दोस्त? भाई मुझे तो अपने मरीज भी अच्छी तरह याद नहीं रहते बेटी, तो ये गाने वाले कहाँ से याद रहेंगे। क्यों बेगम? डैडी वो ही रेडियो सिंगर जो टेलीविजन पे भी गाते हैं, सुरैया को तो उनका गाना इतना पसंद है कि सारे रिकॉर्ड अपने घर में मंगवा के रखे हैं। हाँ तो फिर सुरैया को भी साथ ले जाना बेटी, वो बेचारी हर वक्त घर में पड़ी रहती है। डैडी मैं तो उसे हर जगह साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर वो कॉलेज की सिवा कहीं नहीं जाती, अगर जाती भी है तो चुपचाप और गुमसुम बैठी रहती। हाँ अगर आया ना होती तो शायद उसे बोलना ही ना आता, कितनी दुखी और बदनसीब लड़की, पैदा हुई तो मां मर गई, बाप है तो उसे अपना ही होश नहीं, बेटी का क्या ख्याल करेगा। सर पिछले दिनों नफीस साहब को हार्ट अटैक हुआ था, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि मुकम्मल आराम करें और खुश रहा करें। खुश रहना इंसान के बस की बात नहीं है रोग बेटे, तुम नफीस के दिल का इलाज तो कर सकते हो, उसके गम का मदावा नहीं कर सकते। हेलो अंकल। हेलो बेटा। सुरैया कहाँ है अंकल? मेरे ख्याल से अपने कमरे में होगी। अंकल डॉक्टर रो के घर आज एक पार्टी है, उन्होंने आप लोगों को ही बुलाया। मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर सुरैया को भेज दीजिए ना। हाँ अगर वो चाहे तो उसे ले जाओ। आप भी चलिए ना अंकल, आप तो कहीं आते जाते नहीं है, मेरे डैडी को देखिए क्लिनिक भी अटेंड करते हैं, मरीजों को देखने उनके घर भी जाते हैं और मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं, और हाँ मेरी अम्मी से सुबह शाम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। हाँ बेटे तुम रुस्तम की बेटी हो ना, रुस्तम अगर न लड़े तो गीदड़ ना कहना। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अच्छा आप भी जाते, कोई बात नहीं, अब मैं श्रेया को ले जाऊँ। हाँ तौबा अल्लाह तौबा, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अकेले कमरे में चुपचाप बैठे रहने से तुम्हारा दिल नहीं घबराता? मैं तो तुम्हारी तरह 2 घंटे चुप रहूं तो पागल हो जाऊं। हाँ कभी कभी बोलने की प्रैक्टिस भी कर लिया करो, वरना बिल्कुल गूंगी हो जाओगी। हाँ अच्छा मेरी किताब दो, किताब किताब छोड़ो, मैं तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ, डॉक्टर रोफ के घर एक छोटी सी पार्टी है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हारा दिल भी उठकर तुमसे 4 कदम आगे आगे जाएगा। वो भी आ रही है। कौन? वही जिनकी आवाज तुम्हें बहुत पसंद है। सुहेल? हाँ सुहेल, उनका गाना भी होगा, चल जल्दी से उठ, पहले सिर्फ रेडियो रिकॉर्डों की आवाज सुनती थी, टीवी पे देखती थी, आज तुझे उनके दीदार भी करा दूंगी। मगर अब्बा जान पूछ लिया है अंकल से, क्या समझती है मुझे, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। अरे हाँ आज मैं कपड़े भी अपनी पसंद के पहनाऊंगी। अरे बेरोव तुम्हारी नाजो भी तक नहीं आई यार, वो अपनी एक सहेली सुरैया को साथ लेकर आएगी, तो लीजिए वो आ गई, आइए आइए भाई, नाजो बहुत देर लगा दी तुमने। अजी मैं तो कब की तैयार थी, मगर इनकी नाज बर्दारी में देर हो गई। हाँ अदाब अर्ज़ सुन सा। अदाब अर्ज़ है, मगर नाम तो तुम्हारा नाजो है और नाज छूट पाती है। अजी बस हमारी तो वही मिसल है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे सुरैया की बुलंदी से कौन इनकार कर सकता है। हाँ सुहेल साहब ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली सुरैया है और आप हैं मशहूर गुलकार सुहेल हाशमी। सुहेल साहब आपके गाने सुरैया को बहुत पसंद है। सच? और आपकी बहुत ही पुरस्कार है। सही नसीब, वाकई आपको मेरे गाने पसंद है या नाजो मजाक कर रही है?
मेरा कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मैं बता दूं? क्यों, आपकी सहेली बोलना नहीं जानती? जानती तो है मगर जरा किफायतशुआरी से काम लेती है। हाँ, घूरते क्यों हो, सच्ची तो कह रही हूँ। फिर तो सारे बेमानी गीत आज न डालो, बड़ा बरकत वाला दिन है। सच कहता हूँ रऊफ, ऐसे दिन जिंदगी में रोज रोज नहीं आते। नजरे बदलू, आज तो होते से मुस्कुराहट है, कपड़े इतनी जल्दी बदल लिए बेटी, माशाल्लाह गरारा सूट में कितनी अच्छी लग रही थी। पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। कौन लोग आए थे? बहुत से लोग आए थे, अच्छे ही लोग होंगे। तभी तुम्हारा दिल भी बहल गया। मैं नाजो बीबी से कहूंगी तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाया करें। अच्छा अब अपने कमरे में चलो, देर होगी। आया, तुम्हें गाना कैसा लगता है? गाना? कौन सा गाना बेटी? गाना? आज तो बहुत देर लगा दिया आपने, खाना लाओ। नहीं, ये सुरैया को दे। साहब अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कभी अपने हाथ से भी सुरैया बीबी को कुछ दे दिया करे, उनका दिल भी खुश हो जाएगा।